तीसरी मर्तबा ये पार्लियामेंट मुस्तकिल अपना टेन्योर पूरा करने जा रही है, तो ये मुबारकबाद आपको भी मैं पेश करती हूं बतौर स्पीकर सर. एज अ डेमोक्रेटिक वर्कर, एज अ पॉलिटिकल वर्कर ऑफ अ डेमोक्रेटिक पार्टी, आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल द पार्लियामेंटेरियन सिटिंग हियर टुडे. दिस इज अ डे टू सेलिब्रेट. थैंक यू सर. थैंक यू मिस्टर साहिबा. मियां जावेद लतीफ साहब जी, मैं अभी आता हूं आपकी तरफ से. शुक्रिया जनाब स्पीकर. अभी मेरी बहन ने महनाज अकबर साहिबा ने मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की शहादत के हवाले से जो बात की और जो जज्बात आपने बतौर इस ऐवान के कस्टोडियन के जो आपने जिनका इजहार किया, यकीनन हम सबको आपसे यही तोको थी. और जो कौमी असेंबली का इजलास जारी है इस वक्त, मियां जावेद लतीफ इजहार ख्याल कर रहे हैं. इनसे पहले वफाकी वजीर शाजिया मरी कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रही थी. और अब आपको बताएंगे मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से फंड्स की फराहमी से मुतालिक दोबारा जवाब तलब कर लिया है. चीफ जस्टिस ने आज समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद संगीन नताए जा सकते हैं. जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के वजीर आजम पर अदम एतमाद के भी नताइज होते हैं. ये जो आज की समाअत इस वक्त जारी है उसके मुतालिक